अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज नए व्लॉग के साथ में फरहान और आप देख रहे हैं इस वक्त फरहान व्लॉग। इस वक्त मैं मार्केट जा रहा हूँ, बस में जाएंगे। ये बस करीब यहाँ पे फ्री होती है, मेट्रो जैसे हमारे पास मेट्रो है इस्लामाबाद में, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये देख सकते हैं ये मेट्रो स्टाफ है। इस वक्त हम जा रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे कोई पार्क वगैरह है और अभी हम जा रहे हैं बाहर किसी सेंटर वगैरह। तो मैं निकला हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं कहाँ तक जाना है। गर्मी कम है हमारे मुल्क से तो पाकिस्तान से, वहाँ पे हब्स होता है, यहाँ पे हब्स इतना नहीं है, मौसम अच्छा है। गाइस ये वही मार्केट है जो मैंने आपको रात के टाइम दिखाई थी। अब वहाँ से हम गुजरेंगे, रोड क्रॉस करेंगे, वहाँ से आगे हमें मेट्रो बस की जगह आएगी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सो, इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी शॉप्स हैं, टॉयज़ हैं, ये मिक्स में देते हैं, सिल्वर भी गोल्ड भी साहब सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। बड़ी जो गोल्ड की मार्केट है वो कहीं और जगह पे है। और इस वक्त हम जा रहे हैं, हम सोच रहे थे कहीं पे लंच वगैरह करें, बट वो अब देखते हैं कहाँ करते हैं। और मनी एक्सचेंज भी करवानी थी हमें, यहाँ पे रेट कुछ कम मिल रहा था और होटल पे बैठ बैठ के बोर भी बंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा बहुत डिस्कवर कर लेते हैं ईरान को, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं घुमा लें। अभी यहाँ पे यार अगवानी भाई जो है ना, ये हमें थोड़ा बहुत रेटों में ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं, ये पाकिस्तानियों के साथ अच्छा नहीं करते, बनते नहीं हैं। मेट्रो है, इंतज़ार कर रहे हैं हम मेट्रो का, क्योंकि हम पूरा शहर वगैरह कुछ विज़िट करेंगे मेट्रो में। हम देखेंगे जैसे बनी ऐसी मेट्रो हैं सारी, हमारी तरह नहीं है, बगैर ऐसी ऐसी तो हैं। बट तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है कि मोबाइल वगैरह है ना, थोड़ा चीन से लेके जाते हैं, ऐसे नहीं स्नैचिंग नहीं होती, बस हाथ से निकल के जाते हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है। गाइज ये आप जो देख रहे हैं कि ये रास्ता ही पूरा मेट्रो का बना हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं साइडों में गिर रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास कराची में काम चल रहा है सेम वैसे ही है। और जैसे आपको वहाँ पर ब्लॉक नज़र आए, वहाँ से हम कार्ड या टिकट देंगे, वो खुलेगी तो उसके बाद जाएंगे। इसकी जो टिकट थी वो 20 रुपये से 30 रुपये तक है, और इसमें अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि कितनी बड़ी और साफ़ सुथरा माहौल था उसमें बैठने के बाद। शुक्र है कि यहाँ पे मुझे सीट मिल चुकी है, और अब देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। गाइस जैसे कि आपको ये पूरा शहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे देखें जब तक फुल नहीं होती तब तक ये यहाँ से लोगों को नहीं उठाते। पीछे अलग है, पीछे सिर्फ लेडीज़ का पोर्शन बना हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, वो पीछे वाला दरवाज़ा अलग है, आगे वाला अलग से है। गाइस ऐसी इसकी बहुत चिल थी, अभी ये किसी और स्टाफ पे रुकी, उसके बाद हमारा स्टाफ आएगा। तो इस वक्त हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हर स्टाफ पे ये 5 मिनट 10 मिनट रुकते हैं, जब तक फुल नहीं करते तब तक ये नहीं चलती आगे। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ऐसी थी और कंफर्टेबल ज़्यादा अच्छी थी। ये मेट्रो है, ये यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ के जो है ना अंडरग्राउंड मेट्रो होती है, हमारे पास तो है ही नहीं है। तो ये सबसे आपको मैं दिखाऊंगा, मेट्रो विजिट कराऊंगा। पाकिस्तानी जो है टिकट इसकी 20-30 रुपये है पाकिस्तान, हमारे पास होती तो 200-300 का तो बहुत बार खैर, ये लोकल ही चलती है मार्केट से तो बाहर भी जाती है। देख लें ऐसे, देख लें जैसे एयरपोर्ट बनी वैसे लोकल का स्टेशन, हवाई जो स्टेशन ये देखें सेम एयरपोर्ट की तरह है। यहाँ पे अलग मेट्रो खड़ी हुई है, ये यहाँ की मेट्रो है, सारी मेट्रो यहाँ से हम टिकट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड सिस्टम भी, हमारे पास कार्ड नहीं है, तो इसी वजह से ये टिकट वगैरह लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस के पोर्शन बने हुए हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकल बंदा हमारे साथ है, क्योंकि लोकल बंदा होना ज़रूरी है।
पूरी एसी लगी पड़ी है, यहाँ पे सेंटर एसी है, टेलीफोन वगैरह यहाँ पे लगे हैं, खूबसूरत माहौल, खूबसूरत इन्होंने पूरा बहुत बड़ा बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बहुत क्लीन साफ सुथरा माहौल था अंदर, और इतना इन्होंने खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है, ऐसे नहीं कि कोशिश हो, वाकई खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत, यहाँ पे ये कार्ड सिस्टम है, मेट्रो पैसों पे नहीं होता, रिफिल कराइए। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखें, देख रहे हैं यहाँ पे मेट्रो सिस्टम है, यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड है, ये सेम यूरोप की तरह ही इनका बना हुआ है, और जैसे यूरोप होता है वैसे ही इसका सारा है बना हुआ है। लो जैसे कि आपने, अभी हम मेट्रो में अंदर हैं, मेट्रो में अंदर बैठा है, ये मेट्रो है यहाँ पूरी, और यहाँ पे इन्होंने सारा नक्शा लगाया हुआ है रूट का, पूरा रूट है, पार्ट पीस है, हम इधर से ही आ जाएंगे, ट्रैक पूरा चेंज करके फिर इधर जाएंगे। ट्रैक नहीं है यहाँ पे, दूसरे ट्रैक पे जाएंगे, वेट करेंगे दूसरी ट्रेन का, मतलब मेट्रो का, सॉरी। गाइस ये हमारे साथ थे भाई, ये गाइड कर रहे थे हमें वहाँ पे, तो इनको ज़्यादा पता है, कार्ड भी इनका था, तो अभी ये हमें और ट्रैक के पास लेके जाएंगे। वो इससे ज़्यादा आपको मैं दिखाऊंगा कि बहुत नीचे, ये भाई बता रहे थे नीचे है, बहुत अंडरग्राउंड सिस्टम बना हुआ है, एसी वगैरह इसकी आपको मैं क्या बताऊं कि बहुत क्लास थी, हम महसूस नहीं हो रहा था कि हम अंडरग्राउंड हैं। जैसे कि हम अभी दूसरी जगह पे जाएंगे मेट्रो चेंज करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन भाई से थोड़ी मिस गाइडिंग हो गई, अभी हम फिर यहाँ से घूम के अलग जगह पे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे परफ्यूम, खाने के पीने के शॉप्स और सिल्वर हर जगह पे इनके पास पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक। अब आपको मैं ये दिखाऊँगा, ये अलग ट्रैक है, इसके नीचे अलग है, इसके नीचे और अलग है, तीन चार ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं, हम अंडरग्राउंड जाएँगे, तो आपके सामने ये हम जा रहे हैं यहाँ से। गाइस जैसे कि हम अब उतर चुके हैं, तो हम यहाँ पे साइड चेंज कर रही है, फिर वहाँ से उतर के जैसे आप मैंने दिखाया, फिर यहाँ से हम अलग साइड पे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि ट्रैक चेंज करना है, तो इसी वजह से हम, तो आप देख सकते हैं कि पूरा इन्होंने कैसे सिस्टम बनाया हुआ है। अब बस एक इंसान की सोच आ जाती है, इतने पीछे हैं इनको, फिर भी इन्होंने खूबसूरत बनाने के अंदर ड्रैगन, इसमें ड्रैगन बना हुआ है, और हर सहूलत यहाँ पे दी गई है, एटीएम मशीन है, खाने पीने की है, और मार्केटिंग बुक्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया ना, लुक लाइक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट ही समझ लेंगे, ये स्टेशन तो महसूस कहीं से भी नहीं हो, और वो भी अंडरग्राउंड। गाइस जैसे कि हम और नीचे पहुंच चुके हैं और बेसमेंट में, और इसके अलावा और आगे से हम बेसमेंट में जाएंगे, हमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार इन्होंने बनाने में कितना इनको टाइम लगा, बहुत साल लगे होंगे इनको बनाने में, क्योंकि जो काम किया गया है ना यहाँ पे, आप
खुद जाके देख सकते हैं, बाकी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। ये देखें, फिर से हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन का भी कोई इशू नहीं है, बंदे को थोड़ा महसूस होता है कि ऑक्सीजन वगैरह यार कैसे आएगा, क्या सिस्टम होगा, कुछ भी आपको फील नहीं आ रहा कि आप और अंडरग्राउंड जा रहे हैं। हम बहुत नीचे हैं ज़मीन पे इस वक्त, और इसके अलावा जो मेट्रो है वो और नीचे दूसरी भी है इसके अलावा। तो यार हम क्या बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चर जो है ना, माशाल्लाह। गाइस, हमारी मंजिल आ चुकी है। हम यहाँ से जाएंगे, मैं इस वक्त आया हूँ मिल्लत पार्क, जो ईरान का बहुत मशहूर का मशहूर तरीन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत मुझे मज़ा आया मेट्रो में, मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं लाइफ में पहली दफ़ा इसमें बैठा हूँ, तभी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा बड़ी बात है कि ये यहाँ का पार्क है, तो यहीं से मेट्रो निकलती है, यहीं से आप जाते हैं। ये यहाँ का अच्छा बना है क्योंकि विजिटर ज़्यादा आते हैं ना, तो इसी वजह से इन्होंने ये बनाया है। और इस वक्त कुछ दिन के अच्छे टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं, 4:30। तो अभी हम विज़िट करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फाउंटेन भी लगा हुआ है सामने अच्छा सा, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, खूबसूरत सा फाउंटेन है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना बड़ा ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ये खूबसूरत ही है यहाँ पे, ये लोग देखने के लिए ज़्यादा कर आते हैं। और वो कुछ का सामने पहाड़ी है, ये देखें। बैक साइड यहाँ पे पहाड़ी है, हम इसके ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से हम ये देखने के बाद फिर कहीं और जगह जाएंगे और विजिट करेंगे। लोग अच्छा बनाया हुआ है यहाँ के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए अच्छा है। बट बाकी यहाँ पे ट्रक शॉप ये बनाई हुई है पूरी, और लोग यहाँ पे अपने हिसाब से हर कोई बैठा इंजॉय कर रहा है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए। समझ रहे हो गंदा माहौल नहीं है यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है। ये आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, इसमें जो है ना रेनबो बना हुआ है, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ये देखें, यहाँ के सारा सिस्टम बनाया हुआ, पानी बह रहा है आबशार है मेरे ख्याल से, यहाँ ये इन्होंने खुद बनाया आर्टिफिशियल। अब ये तो नहीं पता, ये तो अब हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पे, तो उधर पता चलेगा क्या क्या है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे जो सिस्टम है ना, समझ लें ये 50% यूरोप की तरह ही है। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे फाउंटेन बना है, ये पहाड़ी से मेरे ख्याल से आ रहा है सारा सिस्टम। ये देखें, सही देखें कितना खूबसूरत वाओ ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये फूल बनाए हुए हैं। और ये देखें, रात के टाइम भी यहाँ पे अच्छा होगा सिस्टम। ये देखें, इसमें लाइटिंग वगैरह होती होगी मेरे ख्याल से। ये देख, यहाँ का बहुत मशहूर मिल्लत पार्क है, यहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं और डेट के लिए भी आते हैं। यहाँ पे खुला माहौल है, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे यूरोप की तरह है, खुला माहौल है, यहाँ पे सब आते हैं।
और ये जो पानी आ रहा है ये आर्टिफिशियल भी है, साथ में इन्होंने सिस्टम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा ये शायद है ना ऊपर से पानी आ रहा है। और ये देखें सामने, वाह ये जो फोटो है यहाँ पे बास का लुक आ रहा है। गाइस ये आप देख सकते हैं छोटी सी रिवर और नदी बनाई हुई है, इसके अंदर डक्स बैठी हुई और आर्टिफिशियल खूबसूरत करने के लिए अंदर लाइटिंग्स वगैरह थी और पहाड़ी का लुक है। ये साइड में अंडरग्राउंड लाइट्स थी, रात के टाइम लाइट्स जलती होंगी, मैं मुझे नहीं खास पता। आप माहौल जो चेक करें ना, फैमिली माहौल कुछ ज़्यादा था, ऐसे नहीं कि लवर भी बैठे हुए थे। ये आप देख सकते हैं नीचे से नदी मछलियाँ जा रही हैं और यहाँ पर पहाड़ी और ऊपर से पानी बह रहा है खूबसूरत। आप हमजा और मरी की तरफ से जैसे ऊपर ये सारा सिस्टम होता है वैसे ही यहाँ पे बनाया हुआ है। हम ऊपर जा रहे हैं अभी, तो ऊपर पहाड़ी पे देखें ऊपर हाइट पे आए हैं बहुत, पहाड़ी पे और भी है ऊपर। गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, बहुत खूबसूरत हवा लग रही थी, तब यहाँ से मैं बच गया गिरते गिरते। तो आप मेरे बैग से देख सकते हैं कि इतना ऊपर हूँ मैं, नीचे का नज़ारा जो आ रहा है ना आउट क्लास है यहाँ से। देखें इनकी कितनी पतली सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, थोड़ा तो मुश्किल है जाना है जाना। गाइस इस वक्त आप देख सकते हैं आपको माहौल जो नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत माहौल है, ऊपर पहाड़ियां हैं, सामने पहाड़ियां हैं और मैं पहाड़ियों के ऊपर हूं। ये मेरे ख्याल से 100 फीट तक होगा और यहां पे मैंने सुना है कोई शहीद वगैरह भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर चल के। बहुत ऊपर बना हुआ है ये, हवा जो लग रही थी बहुत अच्छी हवा थी, आपको सुकून आ रहा था, दिल कह रहा था कि सो जाए बंदा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि माहौल जो आप बहुत ही पूरा शहर आपको नज़र आता है, पूरा शहर कवर हो जाता है। और हमने यहाँ से हरम भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की, थोड़े बहुत गुंबद नज़र आना आ रहे थे दूर से थोड़ा बहुत। ये यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखें सामने वाटर पार्क था और वाटर पार्क वहाँ पर मोटरवे है दूर से और वो मैं आपको करीब भी दिखाऊँगा। और ये पूरा आपको नज़र आ रहा है शहर यहाँ से। और ये भाई लोग मेरे साथ लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट वगैरह करने, इन भाई साहब से मैंने पूछा कि कितना ऊपर होगा, इन्होंने कहा कि ईरान मशहद का नाम ईरान पूरा बोल गए ये। तो ये ऊपर जाने के बाद इंसान का है ना थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। तो इस वक्त हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ी के ऊपर आपको विज़िट करवाएं और आपको दिखाएं। फैमिली पार्क है तो फैमिलीज भी ऊपर थी, लोग यहाँ पे यार आते हैं, हमारे हमारी तो जान निकल गई थी इसके बाद, हम बस हमने कहा बस अब नहीं जाना फिर कभी। गाइस ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा मैप बना हुआ है, ये आपको मैं बताऊं कि ये पूरे आबशार जो पहाड़ियों के ऊपर होते हैं ना वो पानी जाते हुए ये पूरा मैप है पूरे शहर में जाता है, फिर यहाँ पे हरम की तरफ भी जा रहा है, फिर वहाँ से फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद फिर अलग अलग जगहों में फैल के ये देते हैं। जो पानी है ये आता बेसिकली आबशार से है, इनके पास जो पानी है ये पहाड़ियों से आता है, जो बर्फ़ और गलती है जैसे पहाड़ियों के ऊपर तो वो पानी यहाँ से आता है। आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने पूरे नाम लिखा हुआ है, पूरा इन्होंने मैप बना हुआ है कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी एरिया है, क्या है। फारसी में लिखा हुआ था तो समझ हमें इतना नहीं आ रहा था क्योंकि नाम जो उनके अपने हिसाब से, हमें सिटी का एरिया जैसे एरियाज होते हैं छोटे छोटे जोहर कराची जैसे है, गुलचन हो गया डिफेंस, वैसे ही इनके साथ है। ये सामने जैसे मैंने आपको बताया शहीद हैं,
ये आका खोमैनी की दौर के सारा शहीद। यहाँ पे बनाया हुआ है, गेम खेलने के लिए लोग आते हैं अपने अपने बॉल्स और टेनिस की खेलते हैं, टेबल टेनिस है, रैकेट लेके आते हैं। और ये दरवाजे बनाए हुए हैं, बहुत प्यारा लुक है यहाँ का। ये देखें काम किया हुआ है इन्होंने। ये देखें गाइस, आपको नज़र शायद आती होंगी तो इसमें फिश भी है। ये देखें फिश भी है इसमें, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है सारा। गाइस सामने जो है आपको मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ कि मोटरवे बना हुआ है, साइड में फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और पीछे जैसे ही मैंने आपको दिखाया कि ये वाटर पार्क बना। तो मैं यहाँ तक व्लॉग ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। और मुझे उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा मेरे व्लॉग को। ईरान वाले जो व्लॉग आ रहे हैं उसको आपने ज़्यादा इंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मज़ीद व्लॉग लेके आऊँगा अच्छे अच्छे और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे।